नमस्कार, मैं हूँ रेनू अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार के बोध जिला चिकित्सालय के कोविड आईसीयू में सरदारपुर के भरत पाटीदार ने 85% संक्रमण होने के बाद भी कोरोना से जंग जीत ली है। इस जंग को जीतने में उन्हें सहयोग दिया है कोविड आईसीयू के डॉक्टर बुर्रा, डॉक्टर नानूराम चौधरी, डॉक्टर पंकज गोस्वामी, आईसीयू का स्टाफ, जिनके द्वारा उन लगातार उन्हें ट्रीटमेंट के साथ अपना तो मानसिक सपोर्ट भी दिया जा रहा था, मोटिवेट किया जा रहा था। उन्होंने आज 85% इन्फेक्शन होने के बाद भी कोरोना से जंग जीत ली है। भरत राठौर ने अपनी इच्छा शक्ति से, जिला अस्पताल के डॉक्टर स्टाफ के मोटिवेशन से कोरोना को हराया है। भरत बताते हैं कि उन्हें डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी सभी ने बहुत सहयोग किया है। यहाँ का खाना भी बहुत अच्छा है। वह यह कहते नजर आते हैं कि मुझे यहाँ के डॉक्टर व स्टाफ के द्वारा लगातार अच्छा इलाज दिया जा रहा है, मेरा ख्याल रखा गया। आज दवा, दुआ और मोटिवेशन और मेंटली साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के द्वारा जिला अस्पताल को के आईसीयू को उन्होंने बाय बाय कहकर अपनों के बीच जा रहे हैं। हाँ, भले ही उन्हें कुछ दिन क्वारंटाइन रहना होगा, लेकिन उन्होंने कोरोना से तो जंग जीत ही ली है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। मैं मानस पटदा सरदार, मोहनलाल पटदा, ग्राम सरदारपुर, जिला धार। 28 तारीख के दिन रात को 11:30 बजे बहुत चिकित्सा हॉस्पिटल था। रात के 11:30 बजे उस समय रात को 11:30 बजे गिरिराज सर जी, भूरा नानू राम जी चौधरी, पंकज जी गोसम, तीनों डॉक्टर ने रात के 11:30 बजे देखे मेरे को और स्टाफ ने। वो इलाज रात के 11:30 बजे चालू कर दिया और आज मैं 9-10 दिन में स्वस्थ हो चुका हूँ। 85% संक्रमण था मेरा, पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और आज मेरी छुट्टी होने वाली है। और यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था भी अच्छी रही, कोई तकलीफ नहीं हुई, स्टाफ से भी कोई तकलीफ नहीं, दवाई का डोज होज देख रहे सभी व्यवस्थित टाइम टू टाइम हो रहा है। और इसके लिए मैं जितने भी कोरोना पेशेंट हैं उनकी तरफ से सभी डॉक्टर और स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ जो भोजन की व्यवस्था दे रहे हैं, जो साफ सफाई वाले दे, उनको भी धन्यवाद देता हूँ और मरीजों की तरफ से। मैं डॉक्टर नानूराम चौधरी, कोविड आईसीयू डीएस धारपुर। हमारे पास में पारस नाम का एक पेशेंट जो 24 तारीख को रात के 11:30 बजे के आसपास आया था, काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन में आया था। हमने इसको देखा, चेक करा, इसका स्पोर्ट बहुत गिरा हुआ था और इसका सिटी स्कैन वगैरह चेक करने में पाया कि 80% से ज़्यादा इसको लंग्स में इन्फेक्शन है। लेकिन इनकी एज अच्छी थी, हमारे लिए भी एक चैलेंज था कि इस पेशेंट को हमको ठीक करना है। हमने इसको लिया ऑक्सीजन फ्लुएंस एसोसिएटिव बायोपिक पे लिया, वो भी ठीक हो गया। पेशेंट ने भी हमको अच्छा सपोर्ट किया। हमने डॉक्टर गिरिराज भूरा सर और अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों के मार्गदर्शन में इनका अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट प्लान करा, इनको ट्रीटमेंट कंटिन्यूस दिया और आज इनके स्वास्थ्य में पूरा सुधार हो चुका है और हम उसको घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। और हमको इस बारे में बड़ी खुशी हो रही है कि इस प्रकार के पेशेंट हमारे रिकवर हो रहे हैं। मैं डॉक्टर पंकज गोस्वामी, आइसोलेशन इंचार्ज। जब ये पेशेंट आए थे थोड़े घुसराए हुए थे, मेंटली परेशान थे, तो हमने डेली इनका प्रॉपरली फॉलोअप किया, इनको पॉजिटिविटी दी, मेंटली इनको रिलैक्स किया और इन्होंने भी अच्छा कोऑपरेट किया, जिससे इनका जो लंग्स का इन्फेक्शन 85% था उसके बावजूद भी इन्होंने जल्दी से जल्दी रिकवरी की और इनको ऑक्सीजन की बहुत कम से कम आवश्यकता रही और इनको सारे जो भी हैं उल्टे लेट कर अथवा सेल्फ वेंटिलेटर, नेचुरल वेंटिलेटर की प्रैक्टिस करवाई, जिससे उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता भी नहीं पड़ी और कुछ प्राणायाम और सारी मेडिसिन से इनको बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट हो गया और अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं और घर जाने के लिए डिस्चार्ज किया जा रहा है, तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं।